तो बच्चों अगले दो स्वर हैं ओ ओ ओ, जैसे हमने अ बनाया था, पहले बिल्कुल अ बनाएंगे, फिर एक सीधी रेखा लगाएंगे। और आपको याद होगा हमने ए में कैसे ऊपर मात्रा लगाई थी, बिल्कुल वैसे रेड लाइन से स्टार्ट करके इस दूसरी वाली सीधी रेखा के सर पे टच कर देंगे और सिर्फ छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, पूरी नहीं लगाएंगे, जैसे अ आ में लगाते हैं वैसे छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया स्वर ओ। फिर से लिखेंगे ओ। अब अगला स्वर है ओ, तो ओ हम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल पहले आ आम की तरह लिख देंगे और जैसे ओ में एक मात्रा आई थी ओ में दो मात्राएं आएंगी और दोनों ही इस दूसरी स्टैंडिंग लाइन को टच करेंगी। कैसे, एक थोड़ा इधर से स्टार्ट करो और दूसरा थोड़ा इधर से स्टार्ट करो, तो दोनों मात्राएं आसानी से इसको टच कर लेंगी। हमने ऐसे नहीं करना कि एक यहाँ टच करे और एक यहाँ, नहीं, वो गलत हो जाएगा। सही फॉर्मेशन यही है कि हमने दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन के हेड पे टच करनी है। तो ये बन गया हमारा ओ। फिर से देखो ओ। अब हम इसको चार बार और लिखेंगे सारे स्वरों को और नीचे स्वर गीत गाते हुए अ से ओ तक सीक्वेंस में लिखेंगे। अ अचकन लाओ, आ आम खाओ, इ इमली खट्टी सबको भाती, ई ईख खेत में खड़ी सुहाती, उ उल्लू जागे रात में, ऊ ऊन ले लो हाथ में, ए एक दो, ए ऐनक लो, ओ ओखली में कूटो धान, ओ औरत बैठी करती काम। धन्यवाद।